कैसे हैं आप सब। मैं मंजरी टेस्ट द फ्लेवर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की बहुत ही सिंपल, टेस्टी और चटपटी सी सब्ज़ी। उसके लिए पतले छिलके वाले हमें आलू चाहिए, जिसे हम नए आलू या इंदौरी आलू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो दो आलू ले लेंगे हम और उन्हें अच्छे तरीके से साफ पानी में धुलने के बाद इस तरीके से हमें काट लेना है। राउंड शेप में इन्हें हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें छील कर भी बना सकते हैं, पर इनमें छिलके का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता। ये खाने में इस तरीके से बहुत ही बढ़िया लगते हैं। राउंड शेप में काटने के बाद इन्हें बीच से कट कर लेंगे, जिससे ये बढ़िया शेप में कट हो जाएंगे। दोनों आलू को इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत मोटे हैं तो आप इन्हें बीच से कट करके और भी पतला कर सकते हैं। इस तरीके से काट कर आलू बनाने से देखने में तो बढ़िया लगते हैं, साथ ही साथ इन्हें खाने में भी आसानी होती है। उसके बाद इन्हें पानी में हम धुल लेंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और ये बनने के बाद चिपचिपे नहीं होंगे। पानी में अच्छे तरीके से हम धुल लेंगे और इसके बाद इसे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। इस तरीके से बने आलूओं को आप सब्जी के तरह भी खा सकते हैं, या चाहें तो सुबह या शाम के स्नैक्स टाइम में भी खा सकते हैं। उसके बाद हम पानी को गर्म करेंगे और गर्म पानी में आलू को डालकर हम 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में उबलने देंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 60% इन्हें हमें कुक करना है। 5 मिनट बॉयल होने के बाद एक आलू को हम चेक कर लेते हैं। तो फॉर्क से हम आलू को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 60% आलू कुक हो चुके हैं। इन्हें पूरा हमें नहीं पकाना है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और आलूओं को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इनके एक्स्ट्रा पानी को इस तरीके से हम निकाल देंगे और इन्हें प्लेट में रख लेते हैं और आगे की कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म करके 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से पक जाने देंगे। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया के मैं दाने डाल रही हूँ, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। 1 बड़े चम्मच हम सौंफ डालेंगे। उसके बाद जो हमने आलू पका कर रखे हैं उन्हें तेल में डाल देंगे। जैसे ही आप आलू को डालते हैं तो थोड़ा सा तेल उछलकर ऊपर आता है, तो ध्यान से आप आलू को तेल में डालें। उसके बाद इन्हें अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। सूखे मसालों में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसके जगह हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं या लाल मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड करना है, जिसकी क्लिप दोस्तों मिस हो गई है। आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालकर 5 मिनट तक धीमी आँच में इसे पकने दें। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आलू पक गए, क्योंकि हमने आलूओं को पहले ही पानी में 60% कुक कर लिया था, तो इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो एक आलू को हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छे से पकें कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आलू पक गए और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए। अगर आप इन्हें और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो लो फ्लेम पर दोनों तरफ पलट कर इन्हें अच्छे से क्रिस्पी कर लें। सिंपल से बेसिक मसालों के साथ बने इन चटपटे आलूओं को आप टोमेटो सॉस या मेयोनीज के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और कभी आपने सादा खाना बनाया, सिंपल सा दाल चावल बनाया, तो उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं। स्नैक्स के टाइम में खा रहे हैं तो ऊपर से इसमें चाट मसाला डालिए और इसे इंजॉय करिए। कैसी लगी दोस्तों आपको ये रेसिपी, एक बार इसे घर पर ट्राई जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।